थाना सरगोधा रोड के इलाका में 20 लाख तावान के लिए अगवा के बाद 8 साल बच्चे के कत्ल का मामला, पुलिस ने मरकजी मुलजिम इजाज को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से नुमाइंदा सन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीओ फैसलाबाद की हिदायत पर एसपी मदीना टाउन नबील खोकर और डीएसपी सरगोधा रोड चौधरी अकरम के सरबराही में तशकील दी गई पुलिस टीम ने जदीद जराए को बर्बेकार लाते हुए 8 साल बच्चे के अगवा बराए तावान कत्ल के मरकजी मुलजिम इजाज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 8 साल हमजा को अगवा के बाद इसकी रिहाई के लिए 20 लाख तावान तलब किया था, जिसके बाद ताज कॉलोनी में रियाज मुगल के मकान की तलाशी लेने पर जमीन में दफन 8 साल हमजा की बोरी बंद लाश बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम इजाज को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। जराए के मुताबिक 8 साल बच्चे के अगवा के बाद कत्ल की वारदात में खातून समेत 3 अफराद मुलविस हैं।